गुड मॉर्निंग एचएसएच सभी मेंबर्स को तुम्हें वेलकम करता हूं डॉक्टर उत्तम वर्मा सर के आज की क्लास बताऊं डॉक्टर उत्तम वर्मा सर के आज की क्लास के लिए सर वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहाँ पर हमें मौका दिया अपना केस रिप्रेजेंट करने का। तो सबसे पहले मैं केस को एक बार नरेट कर देता हूँ। जी हाँ जी एक 28 वर्ष का लड़का है जिसको इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम आई थी विथ लॉस ऑफ लिबिडो। उसको 4 महीने से ये प्रॉब्लम था। उसकी शादी को अभी 1.5 साल हुआ था और वो डेली वर्कर था। ऑक्यूपेशन उसका डेली वर्कर था, जो भी मिल गया जहाँ भी मिल गया काम उसको कर लेता था। और इस तरीके से वो जब आया वहाँ पर हमारे पास तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे आपसे मिलना था लेकिन मैं मिल नहीं पाया काफ़ी दिनों से। मैंने बोला ठीक है, बोलो क्यों मिलना चाह रहे थे, क्या प्रॉब्लम हो गई आपको। तो पेशेंट ने बोला डॉक्टर साहब मुझे इम्पोटेंसी के प्रॉब्लम है। मैंने बोला कब से है, तो उसने बोला 4 महीनों से है। इसके पहले मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। इसके 4 भाई हैं और ये इसको मिला करके 5 भाई हैं टोटल। तो 4 भाई इससे बड़े हैं। शादी के पहले ये सब लोग साथ में रहते थे लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा अनबन हुई इन लोगों के बीच में तो ये लोग सेपरेट रहने लगे। तो इसके बाद इनके मम्मी पापा इसके पेशेंट के साथ ही रहते हैं। तो मैंने बोला कि 4 महीने से आपको प्रॉब्लम है, आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया इसके लिए। तो उसने बोला मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया है इसके लिए बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने बोला और, तो पेशेंट ने बोला वाइफ मायके गई हुई थी घूमने के लिए, फिर उसने ये बात अपनी मम्मी को बताई कि ऐसा मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम हो गई है और अब मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहती। तो उसकी माँ ने बोला ठीक है तुम मत जाओ, मैं दामाद जी से बात कर लूँगी। फिर सासू जी ने, फिर मैंने पेशेंट से पूछा कि सासू माँ ने आपको क्या बोला। तो पेशेंट ने बोला सासू माँ ने बोला दामाद जी आप अपना इलाज सही से करवा लीजिए वरना मेरी बेटी आपके यहाँ आएगी नहीं। फिर जनरली हम देखते हैं ये प्रॉब्लम फिजिकली इम्पोटेंसी की जनरल प्रॉब्लम, लेकिन लोग शादी के जस्ट 1.5 साल बाद ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है अगर सोचा जाए तो। लेकिन इस पेशेंट को ज़्यादा इतना हरीडनेस एंड वरीडनेस नहीं था इस कंप्लेंट को लेकर के। तो पेशेंट बोला कि सासू माँ ने बोला है कि आप अपना इलाज सही से करवा लीजिए अन्यथा अपनी बेटी को मैं वहाँ नहीं भेजूंगा। तो कुछ दिनों बाद सासू माँ का कॉल आता है और मुझसे बोलने कि दामाद जी आप इलाज करवा लीजिए, मेरी बेटी बेवकूफ़ है। मतलब कि मेरी बेटी नासमझ है और आप इलाज करवा लीजिए। मैंने उसको मतलब नकचिड़ी टाइप की है तो उसके सामने उन्होंने बोल दिया था इसको कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो मैंने उससे बोला आपने क्या बोला जब उन्होंने ऐसा बोला। तो पेशेंट ने बोला, मैंने बोला ठीक है मैं इलाज करवाता हूँ। तो फिर मैंने बोला कि इस घटना से आपको कैसा लगा और दिमाग में क्या टेंशन चल रहा था कि आपको इस तरीके से अभी डाइवोर्स का नंबर आ गया कि अब तो डाइवोर्स देना पड़ेगा आपको। तो पेशेंट बोला मुझे कुछ टेंशन नहीं रहता है। मैंने बोला यार कैसे टेंशन नहीं है आपको, तो आगे क्या सोचा है आपने। मैंने बोला कोई अगर आपकी वाइफ होती है जीवन भर के लिए हम लोग साथ फेरे लेते हैं, उसमें साथ कसमें खाते हैं कि हम जीवन आपका साथ ही मिलेंगे, इससे आपको प्रॉब्लम हुई तो कोई छोड़ कर आ जाएगा। छोड़ दी इसको मिल जाएगी, हमने थोड़ा सा अंदर ला कि शायद इमोशंस हो तो बाहर आ जाए इसके, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। उसने बोला कि मैं उसको छोड़ नहीं सकता। मैंने बोला क्यों नहीं छोड़ सकते। तो उसने बोला मेरी शादी के टाइम पे सभी भाई और मैं सब एक साथ रहते थे तो सब लोगों ने मेरी हेल्प शादी में करी थी, पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, सब तरीके से उन्होंने मेरी शादी करी। उसके बाद कुछ परिवार में आपसी अनबन हो गई जिसकी वजह से ये लोग सेपरेट रहने लगे। सेपरेट रहने के बाद फिर मैंने बोला फिर आपको क्या टेंशन है सेपरेट रह रहे हो तो आप डाइवोर्स सेपरेट रहने के बाद फिर मैंने बोला फिर आपको क्या टेंशन है सेपरेट रह रहे हो तो आप डाइवोर्स दे सकते हो ना उसको, वो जब आने के लिए नहीं तैयार है। तो उसने बोला नहीं मैं डाइवोर्स नहीं दे सकता। मैं बोला क्यों, बोला जो मैंने मेहनत करके और सब जोर जमा करके अपनी शादी में लगाया, जो दहेज वहेज सब कुछ मिला हुआ है वो सब तो चला जाएगा मेरा, और मुझे ये भरोसा नहीं कि आगे मेरी शादी होगी भी या नहीं। मैंने बोला अच्छा ऐसा। फिर तब तक मेरे को फील आ गया था मेडिसिन का कि ये मेडिसिन बिल्कुल कंफर्म है कि यही मेडिसिन है। तो मैं इसका एनालिसिस बोल देता हूँ। मैंने सोचा कि ये पेशेंट है, जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई भी पेशेंट हो या कोई भी बंदा हो जिसकी शादी भी न्यूली मैरिड हो
और उसको ये प्रॉब्लम इस टाइप की इम्पोर्टेंसी वाली प्रॉब्लम आ रही हो तो वहाँ पर उसको समस्या आती है कि ये इस मोस्ट प्रायोरिटी में आप पेशेंट रखता है कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी हम रिकवर करें और जल्दी से जल्दी फिट हो। बट इसने 4 महीने लगा दिए इधर उधर भटकते हुए कि कहीं हमको रिलीफ मिल जाए या इस तरीके से, मतलब उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक तरीके से देखा जाए तो ये फ्रिवुलस लगता है, बट फ्रिवुलस नहीं है ये। तो मेरा एनालिसिस ये था कि ये इसमें ये देख रहा था कि अगर मेरा सब कुछ चला जाएगा तो मैं आगे क्या करूंगा, कैसे करूंगा, और मैं डेली वर्कर हूं, इतना जोड़ भी नहीं पाऊंगा। तो इस तरीके से हमने सोचा ये बिजनेस कर रहा है पेशेंट। एनालिसिस में यह आया कि एक पेशेंट बिजनेस कर रहा है। किस तरीके से बिजनेस कर रहा है कि अगर मान लीजिए मैं डाइवोर्स दे देता हूँ तो जो जमा मेरी पूंजी है वो सब चली जाएगी, मेरे बर्तन जो दहेज में मिला हुआ है थोड़ा बहुत वो भी चला जाएगा। उसके बाद फिर मैं इकट्ठा करूंगा, किस तरीके से करूंगा या नहीं करूंगा पता नहीं, क्योंकि वो पुअर स्टेज में था। तो मैंने इसके रूब्रिक में ये लिए, डिल्यूजन पुअर ही इज फियर पॉवर्टी ऑफ टॉकिंग बिजनेस ऑफ एस्केप अटेम्प्ट टू। ये टिपिकल पिक्चर था ब्रायनिया अल्बा का। तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल दोज क्रैक द मेडिसिन, एंड आल्सो मैं सभी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इसमें अपने वैल्यूबल इनपुट्स दिए हुए हैं केस में जिन्होंने। तो ये ब्रायनिया अल्बा का केस था और इसमें थोड़ा सा हम ये ऐड करते हैं फियर पावर्टी ऑफ जो है उसको किस तरीके से ब्रायनिया अल्बा मैनेज करता है। फियर पावर्टी, ब्रायनिया अल्बा का पेशेंट जो रहता है वो छोटी छोटी चीज़ों में तोल मोल करता है, मतलब कहाँ पर नफा हो रहा है कहाँ नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से वो आगे अपनी लाइफ में बढ़ता है वो नफा नुकसान देख करके बढ़ता है। कहीं भी अगर उसको थोड़ा कम नुकसान हुआ तो, और जहाँ ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो थोड़े कम की तरफ चला जाएगा। उसके मतलब लिए जनरल लोगों लोग, के लिए मायने नहीं रखती मतलब हैं, जनरल लोगों के लिए मायने नहीं रखती हैं। तो ब्रायनिया बार्गेनिंग किस तो तरीके से करता ब्रायनिया है, फियर पॉवर्टी बार्गेनिंग किस किस तरीके तरीके से से होता करता है वो है, मैं फियर बताता हूँ पॉवर्टी थोड़ा किस सा। तरीके से होता है वो मैं कि बताता हूँ ब्रायनिया थोड़ा जब भी सा। कोई चीज अपनी कि लेता ब्रायनिया है, जब जैसे भी कोई कपड़े हो चीज गए, अपनी जूते लेता हो है, गए, जैसे मोजे कपड़े हो हो गए, गए, जूते या हो उसके गए, मोजे व्हीकल हो हो गए, गए, कोई कोई भी भी चीजें चीजें ले लेता रहा है। है उसका उसको व्हीकल 10-15 हो गए, पंद्रह कोई भी पंद्रह चीजें साल वही लेता चलाता रहता है। रहता है, जब जब तक तक वो वो फट फट ना ना जाए, जाए, जब रगड़ तक वो के फट ना जाए, ऐसे घिस रगड़ घिस के वो रगड़ टूट के ना जाए, तब तक वो ऐसे चेंज घिस नहीं घिस के करता वो है टूट ना जाए, तब तक वो चेंज और नहीं घर करता है। इसी तरीके वो और रहेगा घर कि लाइफ इसी को भी तरीके ऑब्जर्व वो करता रहेगा, रहे, उसको उसकी लाइफ इंस्ट्रक्शन को भी देगा ऑब्जर्व कि कर रहा है, कोई ये उसको चीजें इंस्ट्रक्शन कम देगा देगा कि कि ऑयल कम कोई यूज ये करना चीजें कम साबुन उन कम। कम। तो ब्रायनिया बार्गेनिंग किस तरीके से करता है, फियर पॉवर्टी किस तरीके से होता है वो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। ब्रायनिया जब भी कोई चीज अपनी लेता है, जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, मोजे हो गए, या उसके व्हीकल हो गए, कोई भी चीजें लेगा तो वो 10-10-15-15 साल वही चलाता रहता है। जब तक वो फट ना जाए, रगड़ रगड़ के कहीं से घिस घिस के वो टूट ना जाए, तब तक वो चेंज नहीं करता है। और घर इसी तरीके से वो रहेगा कि लाइफ को भी ऑब्जर्व कर रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि तो ये चीजें कम, ऑयल कम यूज करना, साबुन कम यूज करना, लाइट यूज करो। जबकि मौसम अगर गर्म है तो भी वो कहेगा कि फैन कम यूज करो, एसी कम चलाओ।